हेलो दोस्तों, सैमसंग का अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन S24 अल्ट्रा के कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशंस लीक हो चुके हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। S24 सीरीज के स्मार्टफोन्स में हमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके सेंसर में कुछ इंप्रूवमेंट किया जाएगा, जिससे इनमें लाइट को कैप्चर करने की और ज्यादा कैपेबिलिटीज आ जाएंगी और ये डार्कनेस में बहुत ही एक्यूरेटली पिक्चर्स को कैप्चर कर पाएंगे। और दूसरा, इसमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, और तीसरा है 50 मेगापिक्सल का सेंसर विद 5x टेलीफोटो लेंस। इसके अलावा 10 मेगापिक्सल का एक और टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, जिसमें 10x ऑप्टिकल जूम दिया गया है। S24 सीरीज के स्मार्टफोन्स में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि पिछले वाले से ही काफी सिमिलर लग रहा है। बट इसके सेल्फी कैमरा और मेन रियर कैमरा में कुछ AI कैपेबिलिटीज भी दी जाएंगी, लेकिन इसके बारे में ऐसा सिर्फ र्यूमर्स ही बताया जा रहा है। S24 अल्ट्रा के मेन कैमरे से आप 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वो भी 5x ऑप्टिकल जूम के साथ। लेकिन अभी फिलहाल में जो S23 अल्ट्रा के स्मार्टफोन्स हैं, उनमें 8K रिकॉर्डिंग तो दिया जा रहा है, बट इनमें अभी डिजिटल जूम प्रोवाइड किया गया है। इसके अगला वाला फीचर बहुत ही धासु है, जो कि DSLR को सीधा सीधा टक्कर दे रहा है। S24 सीरीज के स्मार्टफोन्स पोर्ट्रेट मोड में 5x तक जूम कर सकते हैं, वो भी ऑप्टिकल जूम भाई। और ये फीचर दिन हो या रात, दोनों टाइम बेटर तरीके से वर्क करेगा। और बहुत सारे रिपोर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि सैमसंग ने मेटा के साथ पार्टनरशिप करा है। इसका मतलब ये हुआ कि S24 सीरीज के यूजर्स डायरेक्टली अपने फोटोज और वीडियोस को हाई क्वालिटी में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर कर पाएंगे, और गैलेक्सी S24 अपने लॉक स्क्रीन से ही डायरेक्टली इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर फोटोज को शेयर कर सकता है। इसके लिए लॉक स्क्रीन पर एक शॉर्टकट दिया जाएगा, जिसके जरिए आप डायरेक्टली फोटोज और वीडियोस को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर शेयर कर पाओगे। रिपोर्ट्स की माने तो 2024 में सैमसंग S24 सीरीज के 35.2 मिलियन यूनिट्स को बनाएगा, जिसमें S24 अल्ट्रा के अकेले 45% स्मार्टफोन्स होंगे और बाकी 38% होंगे S24 और 60% स्मार्टफोन्स S24 प्लस के होंगे। लेकिन आप कमेंट में बताना कि क्या S23 सीरीज आईफोन को अच्छे से टक्कर दे पाई है या नहीं, और आने वाला S24 सीरीज आईफोन 15 को कितना ज्यादा टक्कर देने वाला है।